हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा तक जाने वाली सभी ट्रेनों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो दिल्ली से कटरा तक की यात्रा को करती है। बस वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं ट्रेनों को शामिल किया है जो दिल्ली से कटरा तक जाती है। कुछ ट्रेनें उधमपुर तक भी जाती है, परंतु उन ट्रेनों को हमने इसमें शामिल नहीं किया है। दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा तक जाने वाली जो सबसे प्रसिद्ध ट्रेन है वो है ट्रेन नंबर 22439 नई दिल्ली वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। यह ट्रेन नई दिल्ली से कटरा तक चलती है। यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन मंगलवार को छोड़कर सुबह के 6 बजे नई दिल्ली से चलती है और दोपहर 2 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा में अपनी यात्रा को पूरा करती है, जिसमें यह ट्रेन मात्र 8 घंटे का समय लेती है। यह वंदे भारत कैटेगरी की ट्रेन है जिसमें दो तरह के LHB कोच रहते हैं, जिसमें AC चेयर कार और AC एग्जीक्यूटिव कार के कोच रहते हैं और जिसकी सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। इस ट्रेन में खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहती है जो IRCTC के द्वारा वंदे भारत ट्रेन का स्टाफ प्रोवाइड करवाता है। इस ट्रेन की टिकट आपको IRCTC की वेबसाइट या फिर ओपन रिजर्वेशन काउंटर से मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों 11 ट्रेनें और है जो दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती है। जो दूसरी ट्रेन है वो है ट्रेन नंबर 12919 डॉक्टर अम्बेडकर नगर माता वैष्णो देवी कटरा मालवा एक्सप्रेस, जो डॉक्टर अंबेडकर नगर से चलकर कटरा तक जाती है। यह रोजाना चलने वाली ट्रेन है जो आपको हजरत निजामुद्दीन व नई दिल्ली से मिल जाती है। निजामुद्दीन में इस ट्रेन की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है सुबह 3:50 पर और नई दिल्ली से इस ट्रेन की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है सुबह 4:30 पर और शाम 4:20 पर यह ट्रेन आपको कटरा में पहुंचा देती है, जिसमें इस ट्रेन को 11:50 का समय लगता है। इसके अलावा जो दोस्तों हमारी तीसरी ट्रेन है वो है ट्रेन नंबर 12471 ट्रेन नंबर 12473 ट्रेन नंबर 12475 और ट्रेन नंबर 12477 स्वराज सर्वोदय और सिंधु एक्सप्रेस। यह ट्रेन हफ्ते में 3 दिन गुजरात के गांधीधाम, हापा और जामनगर से चलती है और बाकी के 4 दिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से कटरा तक जाती है। यह ट्रेन आपको दिल्ली के निजामुद्दीन व नई दिल्ली से मिल जाती है। निजामुद्दीन से यह ट्रेन सुबह 5:07 पर चलती है, वही नई दिल्ली से यह ट्रेन सुबह 5:40 पर चलती है और शाम 5:25 पर यह ट्रेन आपको कटरा में पहुंचा देती है। इसमें इस ट्रेन को 11:45 का समय लगता है। जो चौथी ट्रेन है वो है ट्रेन नंबर 22461 जिसका नाम है श्री शक्ति AC सुपरफास्ट। यह पूरी ट्रेन वातानुकूलित ट्रेन है जो नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती है। यह ट्रेन रोजाना शाम 7:05 पर नई दिल्ली से रवाना होती है और सुबह 5:40 पर कटरा में पहुंचा देती है, जिसमें इस ट्रेन को मात्र 10:35 का समय लगता है। जो पांचवी ट्रेन है वो है ट्रेन नंबर 14033 जिसका नाम है जम्मू मेल। यह ट्रेन पुरानी दिल्ली जंक्शन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती है, जो प्रतिदिन रात 8:05 पर दिल्ली जंक्शन से खुलती है और सुबह 9:15 पर कटरा में पहुंचा देती है, जिसमें इस ट्रेन को 13:10 का समय लगता है। दोस्तों जो छठी ट्रेन है वो है ट्रेन नंबर 12445 उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। यह ट्रेन नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती है। नई दिल्ली से इस ट्रेन की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है रात 8:50 पर और कटरा में पहुंचने की इस ट्रेन की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है सुबह 7:55 पर। इस यात्रा को पूरा करने में यह ट्रेन 11:05 का समय लेती है। जो सातवीं ट्रेन है वो है ट्रेन नंबर 16031 अंडमान एक्सप्रेस, जो चेन्नई सेंट्रल से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती है। यह ट्राई वीकली ट्रेन है जो आपको हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली व शकुर बस्ती से मिल जाती है। यह हर सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को चलती है। इस ट्रेन की हजरत निजामुद्दीन से जो टाइमिंग रहती है वो रहती है रात 8:21 पर। नई दिल्ली से इस ट्रेन की जो टाइमिंग रहती है
वो रहती है रात 9:10 पर, और शकुर बस्ती से इस ट्रेन की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है रात 9:41 पर। कटरा में यह ट्रेन दूसरे दिन 10:45 पर पहुंचा देती है। जो आठवीं ट्रेन है वो है ट्रेन नंबर 16317, जिसका नाम है हिमसागर एक्सप्रेस, जो कन्याकुमारी से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती है। यह एक वीकली ट्रेन है जो हर रविवार को आपको निजामुद्दीन, नई दिल्ली व शकुर बस्ती से मिल जाती है। हजरत निजामुद्दीन से इस ट्रेन की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है रात 8:21 पर। नई दिल्ली से इस ट्रेन की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है रात 9:10 पर, और शकुर बस्ती से इस ट्रेन की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है रात 9:41 पर। जो नौवीं ट्रेन है वो है 16787, जो तिरुनेलवेली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती है। यह भी एक वीकली ट्रेन है जो हर बुधवार को आपको हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली और शकुर बस्ती से मिल जाती है। निजामुद्दीन में इस ट्रेन की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है रात 8:21 पर। नई दिल्ली से इस ट्रेन की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है रात 9:10 पर, और शकुर बस्ती से इस ट्रेन की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है रात 9:41 पर। जो दसवीं ट्रेन है वो है ट्रेन नंबर 11449, जो जबलपुर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती है। यह भी एक वीकली ट्रेन है जो आपको हर मंगलवार को हजरत निजामुद्दीन से, नई दिल्ली से, दिल्ली किशनगंज से और शकुर बस्ती से मिल जाती है। निजामुद्दीन से इस ट्रेन की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है रात 8:21 पर। नई दिल्ली से यह ट्रेन रात 9:10 पर चलती है। किशनगंज में इस ट्रेन की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है रात 9:26 पर, और शकुर बस्ती से इस ट्रेन की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है रात 9:41 पर। और दोस्तों, जो हमारी अंतिम व 11वीं ट्रेन है वो है ट्रेन नंबर 19803, जो कोटा से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती है। यह भी एक वीकली ट्रेन है जो हर शनिवार को आपको नई दिल्ली से मिल जाती है। नई दिल्ली से यह ट्रेन रात 11:30 पर चलती है, जो अगले दिन दोपहर 1:30 पर आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा में पहुंचा देती है, और जिसमें इस ट्रेन को 14 घंटे का समय लगता है। इस वीडियो को दोस्तों अब आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली से चलकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाने वाली सभी ट्रेनों की छोटी सी जानकारी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।